अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इस्लाम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में वाक़ सलक्यारा सुरंग में गुज़श्ता 17 दिनों से फंसे मजदूर न सिर्फ ज़िंदगी और मौत की जंग में फाते रहे बल्कि राहत और बचाव टीमों के पहाड़ जैसे हौसले ने भी नई तारीख रकम की। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुरंग से छोटे से पाइप के रास्ते तमाम मजदूरों को निकाला जा चुका है। गुज़श्ता 17 दिन से हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को काट कर बनाई जा रही इस सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आते ही पूरे इलाके में जश्न का समां बन गया। मुकामी अफराद के साथ साथ इन मजदूरों के अहले खाना भी फूलों के हार लेकर जाए वकूफ़ पर पहुँच गए। इसके अलावा वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी सुरंग के पास ही मौजूद थे। उन्होंने मरकजी वजीर जनरल वी के सिंह के साथ कई मजदूरों को रेस्क्यू किया और इनकी खैरियत पूछी। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy. We integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद बचा लिया गया। ये कारकुन 12 नवंबर को सुरंग के एक हिस्सा गिरने के बाद फंस गए थे। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुरंग से निकाले गए 41 मजदूरों में से किसी की भी हालत तश्वीशनाक नहीं है, हर कोई सेहतमंद है। धामी ने कहा कि तमाम कारकुन सेहतमंद हैं, स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय वो पाइप से रेंगते हुए बाहर निकले हैं। चीफ मिनिस्टर धामी ने कहा कि मजदूर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे। एजेंसी ने कारकुनों को 20 दिनों की छुट्टी दी है। धामी ने कहा नौजवान मजदूर को पहले सुरंग से बाहर निकाला गया, इसके बाद बाकी कारकुनों को एक एक करके बाहर निकाला गया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुसलसिल ताउन और हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि तमाम 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी और 20 दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि वो अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजार सकें। उत्तरकाशी के सलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17वें दिन कामयाबी के साथ बाहिफाजत निकाल लिया गया। 400 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चैलेंजेस और ताखिर का सामना करने के बाद कारकुनों को टनल से निकालने का काम मुकम्मल किया गया। मदाहों और मशहूर शख्सियात ने सोशल मीडिया पर रेस्क्यू टीम की तारीफ की है। खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने इसे न्यू इंडिया कहा है। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया और लिखा, यह जानकर खुशी और राहत हो रही है कि 41 फंसे हुए लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम की हर रुकन को मेरा सलाम, ये एक नया हिंदुस्तान है और हम सबको बहुत फख्र महसूस होता है। जय हिंद। अभिषेक बच्चन ने लिखा, बहुत शुक्रिया और रेस्क्यू टीम और तमाम एजेंसियों को इससे भी बड़ा सलाम जिन्होंने उत्तरकाशी सलक्यारा टनल में फंसे हमारे 41 मजदूरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जय हिंद। बॉलीवुड के अदाकार जैकी श्रॉफ ने इन 22 एजेंसियों को सलाम किया जिन्होंने फंसे हुए मजदूरों को बचाया। अदाकार रितेश देशमुख ने रेस्क्यू टीम के अरकान की तारीफ की। फिल्मी शख्सियत के अलावा साबिक क्रिकेटर सहवाग ने रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद पेश की। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, जहां मर्जी होती है वहां रास्ता होता है। बहुत शुक्रगुजार हूं कि तमाम 41 मजदूरों को बाहिफाजत बचा लिया गया है। युवराज सिंह ने लिखा, ये जानकर राहत मिली है कि बहादुर मजदूरों को बचा लिया गया। गुज़श्ता 17 दिनों का मुश्किल चैलेंज अब खत्म हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अहम अफसर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने के सिलसिले में हीरो साबित हुए। इनकी NDRF टीम ने न सिर्फ मजदूरों का हौसला बरकरार रखा बल्कि मुसलसिल खुदाई भी की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 15 GOC कॉर्पस श्रीनगर से वाबस्ता रहे हैं। 2018 में इन्हें सदर जमहूरिया ने कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर किया था। उन्होंने इस मिशन के दौरान अपने जवानों के साथ मुसलसिल रابطے में रहकर इन्हें कई हिदायतें दी जिन पर अमल करके NDRF के कारकुनों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्होंने बगैर किसी जानी नुकसान के इतने बड़े मिशन को रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया। इस काम में अता हुसनैन ने माइक्रो टनलिंग माहिरीन की भी मदद ली जबकि मुकामी सतह पर जिला कलेक्टर और IAS अफसरान से भी मदद हासिल की ताकि वो सुरंग को बाहर से खोदने के लिए वसाइल की फराहमी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी फनकारों पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बेबुनियाद अर्जी है।
वाजरे की ये अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुस्तरद की थी, जिसके बाद अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए और यहाँ भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी। अर्जी मुस्तरद करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मुहिब वतन होने के लिए पड़ोसी मुल्क या इसके लोगों के साथ दुश्मनी का रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की डिवीजन बेंच ने फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट फैज़ अनवर कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हाईकोर्ट की बातें ही दोहराई। समाअत के दौरान अर्जीगुजार के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने मेरे मौकिल के हुब्बुल वतनी के तस्वुर पर तनकीद करते हुए फैसले के पैराग्राफ 10 में कुछ तबसरे किए हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि यह आपके लिए एक अच्छा सबक है, इतनी तंग नज़री ठीक नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि मुहिब वतन होने के लिए किसी को दीगर मुल्कों के लोगों और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क के लोगों से दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा मुहिब वतन वो शख्स है जो बेलौस हो, जो अपने मुल्क के लिए वक्फ हो। एक शख्स जिसका दिल अच्छा है वो अपने मुल्क में ऐसी किसी भी सरगर्मी का खैर मकदम करेगा जो मुल्क के अंदर और सरहद के पार रक्स, आर्ट, मौसीकी, खेल, सकाफत, अमन, हम आहंगी और सुकून वगैरह को फ़रोग देती हो। बिहार में महकुमा तालीम से जारी कैलेंडर में जुमे को रुख्सत और ईद की छुट्टियों में तौसी, जन्माष्टमी, रामनवमी की छुट्टियां रद्द होने पर बीजेपी का हंगामा चल रहा है। मुसलमानों की दो छुट्टियां बढ़ाने और हिंदुओं की दो छुट्टियां घटाने पर सबका साथ सबका विकास का असली रंग सामने आ गया और बीजेपी के लीडरों को बिहार असेंबली रिपब्लिकन और इस्लामिक स्टेट नज़र आने लगा। महकुमा तालीम के एक फैसले ने सर्द मौसम में बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। फैसले को लेकर हुकूमत की नीयतों पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि इस फैसले का क्या मतलब है, जबकि मुल्क में ऐसा फैसला कहीं नहीं हुआ। बीजेपी इस फैसले से इस कदर नाराज़ है कि वो नीतीश कुमार से मुतालबा कर रही है कि अब नीतीश कुमार फौरी तौर पर बिहार को इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान करें और अपने नाम के साथ मोहम्मद जोड़ लें। बिहार के महकुमा तालीम की तरफ से जारी हुक्म के मुताबिक उर्दू स्कूलों में जुमे को तातील का ऐलान किया गया है। इस हुक्म में कहा गया है कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ जुमे को छुट्टी होगी। इसके लिए महकुमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक जिन अजला में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ DM की रजामंदी के बाद जुमे को हफ्तावार तातील की जा सकती है। महकुमा तालीम की जानिब से जारी कैलेंडर में ईद और बकरीद की तातीलात में तौसी कर दी गई है। पहले सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती थी लेकिन अब इसे 3 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा मुहर्रम को 2 दिन, शब बरात, चहलुम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर 1-1 दिन की छुट्टी होगी, जबकि राखी, तेज, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी की छुट्टियां ख़त्म कर दी गई है। महकुमा तालीम के फैसले के बाद बीजेपी ने भी इस पर सवालात उठाए हैं। अब किसी मुस्लिम शादी प्रोग्राम में DJ और बैंड बाजा नहीं बजेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के उलमा ने मीटिंग मुनक़िद करके निकाह में बैंड बाजा DJ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। उलमा ने सुन्नी उलमा काउंसिल की मीटिंग में एक बड़ा फैसला किया। फैसले में तय किया गया है कि किसी भी शादी में अगर DJ, बैंड बाजा या नाच गाना होगा तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि काउंसिल की मीटिंग में यह भी कहा गया है कि जो कोई बात नहीं मानेगा तो इसकी तदफीन में भी कोई नहीं जाएगा। शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली बुराइयों, DJ और नाच गाने पर मीटिंग में यह फैसला किया गया। उलमा के मुताबिक निकाह को आसान किया जाए, निकाह में फैली बिद्दत को ख़त्म किया जाए। उलमा के जरिए घर घर जाकर यह बेदारी फैलाई जाएगी कि जहेज ना लें, शादियों को आसान करें, सस्ती शादियां हों, महंगी शादियों की वजह से गरीब शख्स पिसता चला जा रहा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के उलमाओं की जानिब से जो फैसला किया गया है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या रियासत उत्तर प्रदेश की तरह हर रियासत में इसी तरह के फैसले होने चाहिए या नहीं? मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में सबसे आखिरी रियासत तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम मंगल की शाम 5 बजे खत्म हो गई। अब 30 नवंबर को रियासत की तमाम 119 सीटों के लिए एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में इस वक्त KCR की पार्टी BRS बरसर इख्तदार है। 2014 में रियासत की तश्कील के बाद से यही पार्टी इख्तदार में है, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस को उम्मीद है कि वो KCR को इख्तदार से बेदखल कर देने में कामयाब हो जाएंगे। दोनों ही पार्टियों की जानिब से तेलंगाना में ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम चलाई गई। कांग्रेस की मुहिम जहां रियासत की तरक्की और जमानतों के इर्द गिर्द ही रही, वहीं BRS ने अपनी स्कीमों की कामयाबी के बल पर वोट मांगे, साथ ही कई अहम वादे भी किए हैं। इस मसावात में BJP भी शामिल हो गई है, जिसके लीडरान खुसूसन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखला अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलसिल 3 रोज़ तक इंतखाबी मुहिम चलाकर अपने लिए इम्कान पैदा करने की कोशिश की। BJP ने कांग्रेस और BRS दोनों को निशाना बनाया। उधर कांग्रेस की तरफ से गांधी खानदान के अरकान और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल रखी थी, जबकि BRS की जानिब से KCR और इनकी बेटी के कविता ने मुहिम की कमान संभाली हुई थी। तेलंगाना में असल मुकाबला कांग्रेस और BRS के दरमियान ही है।
दूसरी तरफ मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेने का दावा किया है। तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सिक्योरिटी के वसीत तर इंतजाम किए गए हैं और इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। दफा 144 पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और इन अहकाम के मुताबिक पुलिस स्टेशन से 200 मीटर की दूरी तक 5 से ज्यादा अफराद जमा होने पर इम्तना रहेगा। पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडलिया ने एक प्याम में कहा है कि तेलंगाना इंतखाबात के लिए हैदराबाद पुलिस से ठोस इकदाम किए गए हैं और शहर के हसास पोलिंग स्टेशनों में नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के 7 जोन्स में 1600 रॉडी शीटर्स हैं और रोजाना 600 रॉडियों के मकानात का मुतालिका पुलिस अहदेदार पहुंचकर इनकी सरगर्मियों की इत्तला रखते हैं। अगर रॉडी शीटर मकान पर दस्तियाब ना हो तो टास्क फोर्स की टीमें इनका ताकुब करती है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रॉडी और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इंतखाबात पुरअमन होंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सियासी पार्टियों के अलावा पुलिस अहदेदारों पर भी जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन इंतखाबात के लिए सब्र व तहमुल का मुजाहरा करें और नागहानी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई करें। तेलंगाना असेंबली चुनाव की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची और हैदराबाद में रायदहिंदों ने इस मरतबा मुकम्मल शऊर के मुजाहरे का फैसला किया है। हैदराबाद में आम तौर पर रायदही का फीसद गुज़श्ता इंतखाबात में कम रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस मरतबा तब्दीली की लहर के सबब अवाम रायदही में हिस्सा लेने के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं ने खुसूसी अपील जारी करते हुए मुस्लिम रायदहिंदों से अपील की कि वो दीनी फरीजे की तकमील करते हुए वोट का इस्तेमाल करें ताकि फ़िरका परस्त व फुस्ताई ताकतों को इख्तदार से रोका जा सके। पुराने शहर के असम्बली हल्केजात में बोगस रायदही से कामयाबी का रुझान इस मरतबा कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रजाकाराना तंजीमों और मजहबी जमातों ने बोगस रायदही के खिलाफ मुस्लिम रायदहिंदों को मशवरा दिया है। रायदही जमहूरी हक के साथ साथ दीनी फरीजा भी है और रायदहिंदा अपने वोट के जरिए सही और गलत में तमीज़ कर सकता है। रायदहिंदों में यह तासुर पैदा करने की ज़रूरत है कि बोगस रायदही शरीयत के अहकाम के खिलाफ हैं। जनूबी हिंद की अजीम दीनी दर्जगा जामी निज़ामिया ने बोगस रायदही को गैर शरई करार देते हुए फतवा जारी किया है, जिसके तहत रायदहिंदे अपना और अपने वालदेन या शोहर का नाम तब्दील करते हुए गैर शरई अमल का शिकार बन सकते हैं। जामी निज़ामिया के इस फतवे के बावजूद मुकामी जमात के कारकुन बोगस रायदही की हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर मुसलमान का यह ईमान है कि अल्लाह ताला हर अमल को देख रहा है। सियाह रात में सियाह पहाड़ पर अगर सियाह चूंटी चलती है वो भी अल्लाह ताला की नज़र में होती है। इस तरह दुनियावी मफादात की तकमील के लिए नाम तब्दील करना और बोगस रायदही में हिस्सा लेना शरीयत की सरही खिलाफ वर्जी होगी। खवातीन नौजवानों को ख़ास तौर पर इस बात का एहसास होना चाहिए कि इनके हर अमल पर अल्लाह ताला की नज़र है। नाख्वानदा और गरीब अफराद बिलखसूस नौजवानों और खवातीन को पैसे का लालच देकर बोगस रायदही की तरगीब दी जाती है और इस अमल में तरगीब देने वाला और अमल करने वाला दोनों बराबर के जिम्मेदार करार पाएंगे। दीनी मालूमात और शरीयत से दूरी के नतीजे में भोले भाले नौजवान रकम की लालच में मुख्तलिफ पोलिंग बूथ में घूम घूम कर बोगस रायदही अंजाम देते हैं। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन और पुलिस की गहरी नज़रें रहेंगी तो दूसरी तरफ शरीयत की खिलाफ वर्जी की सूरत में गुनाह के मुर्तकिब करार पाएंगे। मुसलमानों में तालीम याफ्ता और बाशऊर अफराद को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए नौजवानों को शरीयत की खिलाफ वर्जी से रोकने की ज़रूरत है। रायदही दौलत के एवज नहीं बल्कि ज़मीर की आवाज़ पर होनी चाहिए। शहर हैदराबाद में रायदही के फीसद को बढ़ाने रैपिडो ने एक अनोखे इकदाम का आगाज़ किया और अख रायदही में रैपिडो मुफ्त खिदमात फराहम करेगा। शहरियों की अपने मोबाइल फ़ोन में रैपिडो ऐप के जरिए वोट नाउ को दर्ज करना होगा और इसके जरिए रैपिडो की मुफ्त सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। पोलिंग स्टेशन तक रैपिडो के जरिए मुफ्त रसाई की जा सकती है। ये बात रैपिडो के शरीक बानी पवन ने एक बयान में बताई है। सवारी की सहूलत ना होने के सबब अक्सर शहरी हक रायदही से इस्तेफादे से महरूम है। रैपिडो की सहूलत से रायदही का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात की पोलिंग के दिन रियासत के तमाम खानगी इदारों और IT कंपनियों को भी तातील का ऐलान किया जाए। मुलाजमीन को हक रायदही से इस्तेफादे के लिए इदारे तातील दें। CEO ने बताया कि 2018 के असेंबली और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातील ना देने की शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने अपनी हिदायत में कहा कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातील को यकीनी बनाया जाए और इसकी जाँच करने की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मशवरा दिया कि तातील ना देने वाले इदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रियासत भर में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आ चुका है। इंतखाबी सरगर्मियां थम सी गई है और अब सियासी जमातें रायदही की हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ हैं।
सारी रियासत की तरह पुराने शहर में भी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत देखी गई। खास तौर पर हल्के असेंबली याकूतपुरा और मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद की इंतखाबी मुहिम ने सारे इलाके में हलचल पैदा कर दी है। इस हलके पर तवील अरसे से मजलिस का कब्जा है। इस बार मजलिस ने नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज को याकूतपुरे से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की यह उम्मीद थी कि इस बार भी इंतखाबात में इसे बआसानी कामयाबी मिल जाएगी। तहम मजलिस बचाओ तहरीक से अमजदुल्ला खान खालिद के इंतखाबी मुकाबले के ऐलान के साथ ही हलके में सूरतेहाल में तब्दीली पैदा होने लगी है और ख़ास तौर पर नौजवान और ख्वातीन में अमजदुल्ला खान खालिद की मकबूलियत ने इंतखाबी माहौल को बदल कर रख दिया है। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने शहर हैदराबाद के राय दहिंदों बिलखसूस मुसलमानों से अपील की है कि वह हक राय दही से ज़रूर इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि हर पाँच साल में एक मरतबा अपने वोट के जरिए अपने मसाइल की यकसोई के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात इस बात के मुतकाजी है कि हम अपने वोटों का इस्तेमाल करें। मौलाना जाफर पाशा ने मुसलमानों से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करें। मौलाना ने राय दहिंदों से अपील की कि वो सुबह की अवलिन साहतों में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मौलाना ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और बेहतर से बेहतर समाज व माशरे की तश्कील में अपना रोल अदा करें। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुकन्नना पार्टी ने कहा कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में हालात की नज़ाकत को समझते हुए मुत्तहदा व मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मजलिस की ताकत अवाम की ताकत और मजलिस की कमजोरी अवाम की कमजोरी होगी। इत्तेहाद का शेराज़ा बिखर जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो इत्तेहाद जो तीन नस्लों की मुसलसिल जदोजहद के बाद मजबूत हुआ है, इसमें मजीद इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस दौरान में हम इंसान हैं, इंसान से भी गलतियां हुई होंगी। इस ज़िमन में इख्तलाफात भी जायज़ हो सकते हैं, लेकिन जमात के खिलाफ होना जायज़ नहीं है। अगर इत्तेहाद की ताकत मुंतशिर हो जाएगी तो कई राजा सिंह पैदा होंगे। कायदे मजलिस ने कहा कि मजलिस आपकी जमात है जिसे बुजुर्गों ने खून पसीने से मुस्तकिम किया।